दिवाली के लिए अपनी वार्डरोब की सफाई करते करते मुझे मिला इतना सारा कुछ सामान, तो चलो आज इससे अपना छोटू से दिमाग का उपयोग ही कर लेते हैं और इसका कुछ नया बना के मम्मी को दिखाई देते हैं कि हम भी किसी से कम नहीं। फटाफट मैंने कपड़े को फोल्ड किया, पेस्टिंग पेपर को इस तरीके से रखा और चारों तरफ इसकी बाउंड्री बना के अच्छे से इसको प्रेस कर दिया कि ये बिल्कुल भी अपनी जगह से हिले नहीं। दूसरे कपड़े को भी लिया और उसे बीच में रख के इस तरीके से कवर करके चारों तरफ से इसे सिलाई कर दी। ये इस तरीके की लेस रखी थी, फेस्टिव सीजन है और चमके नहीं हम, ऐसा कैसे हो सकता है। मम्मी को चैलेंज दिया है तो कंप्लीट तो करना था ना, तो फटाफट इस पे स्टोन लेस भी लगा दी। हो चुके हैं नवरात्रि शुरू, तो नवरात्रि में मिरर वर्क ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। तो फटाफट ये जो छोटे छोटे से मेरे पास में मिरर के पीसेस रखे थे मैंने इन्हें भी लगा दिया, पर कुछ क्रिएटिव भी तो दिखना था ना, इसलिए जो ये ऊन निकली ना इसे ही मैंने लेकर आसपास मिरर के इस तरीके से बाउंड्री बना दी कि ये थोड़ा अलग लुक भी हो जाए और थोड़ा मल्टी कलर बन जाए, जिससे मेरी हर ड्रेस के साथ में ना इसकी मैचिंग हो सके। मम्मी को क्या लगता है कि हम कुछ कर नहीं सकते, तो ऐसा नहीं है भाई, हम कचरे से भी जुगाड़ कर सकते हैं। तो मैंने फटाफट अपना ब्लू कलर पहले किया, और आपका फेवरेट कलर कौन सा है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके बाद में येलो कलर को किया और इस तरीके से मैंने सारे ही मिरर्स को डिफरेंट डिफरेंट रंग बिरंगे कलरों से कवर कर दिया। अब इसके बाद में बारी आती है काउडी शेल्स की, तो ये काउडी शेल्स मेरे पास में रिंग्स नहीं थी तो मैंने यहाँ पे सुई धागे से जुगाड़ बना लिया। अब फटाफट इस काउडी शेल्स को इस तरीके से इस पर डालकर लटकाने वाला पैटर्न बना लिया इस तरीके से, और इसे थोड़ा ना ध्यान से देखना कि मैंने ये किस तरीके से किया है, क्योंकि कोई भी काउडी शेल अगर इधर उधर हो गया ना तो पूरी डिजाइन हमारी बिगड़ सकती है और फिर हमारे इम्प्रेशन की तो लग जाएगी वाट। तो भाई इम्प्रेशन की वाट ना लगे तो इसलिए ना थोड़ा आराम से ही काम करना। अब लास्ट में इस तरीके से इसे हमने आखिरी में फिक्स कर दिया। साइडों को भी तो आपस में लगाना था तो मेरे पास में तो कुछ ऐसा था ही नहीं, तो मैंने यहाँ पर जो टिच बटन होते हैं ना उनका यूज कर लिया और ऊपर वाली लेस को वापस से इस पर लगा लिया कि जिससे हमारी सिलाई किसी को दिखे ना। और ये देखो मेरा नवरात्रि चूड़ा बनकर रेडी है, मम्मी तो सिर्फ देखती ही रह गई और मैंने तो कमाल भी कर दिया। आपने इस फेस्टिव सीजन में क्या क्या जुगाड़ से कमाल करे है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।